अगर हम इतिहास उठाकर देखते हैं तो हमें ये मिलता है कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक आइजक न्यूटन भी थे। आइजक न्यूटन जब मात्र 23 साल के ही थे तब से ही इन्होंने खोज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आइजक न्यूटन ने 23 साल की उम्र में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी। तो आइए दोस्तों, अब हम न्यूटन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानते हैं। न्यूटन के बारे में रोचक तथ्य एक, आइजक न्यूटन के पिता का नाम भी आइजक न्यूटन था। दो, न्यूटन का पूरा नाम आइजक न्यूटन था। तीन, सेब न्यूटन के आगे गिरा था न कि उनके सिर पर। चार, न्यूटन के पिताजी जब मरे थे जब न्यूटन केवल 3 महीने के ही थे। पांच, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज 23 साल की उम्र में की थी। छह, न्यूटन ने सबसे ज्यादा पेपर धर्मों पर लिखा है। सात, न्यूटन ने अपने जवानी के दिनों में अपनी माँ और सौतेले पिता स्टेप फादर को जिंदा जला देने की धमकी दी थी। आठ, न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, थ्री लॉ ऑफ मोशन और कैलकुलस को जब बनाया था जब कैम्ब्रिज में प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी। नौ, न्यूटन जन्म के समय सामान्य आकार से बहुत ज्यादा छोटे थे, इनकी हालत जिंदा रहने की नहीं थी। दस, न्यूटन का जन्म उसी साल हुआ था जिस साल गैलीलियो का निधन हुआ था। इनका जन्म 25 दिसंबर 1642 को इंग्लैंड में, इनकी मृत्यु 31 मार्च 1727 को इंग्लैंड में हुई थी। 11, न्यूटन अपने उल्टे हाथ से लिखते थे। 12, ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार में घूमते हैं, इस बात को साबित करने के लिए इंटरनेट डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की खोज कर डाली। 13, न्यूटन का दिमाग कितना तेज था इसी बात से आप पता लगा सकते हैं कि कैलकुलस का आविष्कार करने में उनको उतना ही समय लगा था जितना समय एक छात्र को इसे सीखने में लगता है। 14, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल नहीं बल्कि अंडाकार में घूमती है, यह बात न्यूटन ने ही बताई थी। 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी स्टडी रूम की दीवारों पर न्यूटन की तस्वीर लगाकर रखते थे। 16, न्यूटन के मैथमेटिक्स सिद्धांत में एक छोटी सी कैलकुलेशन गलत थी लेकिन 300 साल तक इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। 17, जिस पेड़ से सेब गिरा था उस पेड़ की लकड़ी का एक टुकड़ा अंतरिक्ष में भी भेजा जा चुका है ताकि गुरुत्वाकर्षण बल को की अवहेलना की जा सके और इस पेड़ को जीरो ग्रेविटी का एहसास दिलाया जा सके।